प्रथाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो मेमोरियल पर जाएंगे और ये दोनों मेमोरियल जुड़े हुए हैं भारत की पुरानी रियासतों से, जिनके महाराजाओं ने पोलैंड के अनाथ बच्चों के लिए अहम योगदान दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब इन अनाथ बच्चों को सोवियत संघ के शिविरों में रखा गया था, उनकी हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी वहां पर, इसीलिए इन दोनों महाराजाओं ने अपनी दरियादिली दिखाते हुए उन बच्चों को ना सिर्फ भारत बुलाया बल्कि कई साल तक उन बच्चों का वहां पालन पोषण किया, उनका ख्याल रखा, उनकी पढ़ाई, उनकी सेहत को, सब चीजों को ये देखते रहे। और इसीलिए पोलैंड में आज भी इन दोनों महाराजाओं को याद किया जाता है। एक थे उसमें महाराजा थे कोल्हापुर रियासत के, जिनका नाम था छत्रपति साहू जी महाराज, वहां कहते हैं 5,000 के करीब पॉलिश बच्चे रहे थे, जबकि दूसरे थे नवानगर, यानी जिसे आज हम गुजरात के जामनगर के तौर पर जानते हैं, वहां के महाराज थे दिग्विजय सिंह जी, रंजीत सिंह जी, जडेजा। उनको गुड महाराज कहा जाता है पोलैंड में। क्यों कहा जाता है गुड महाराज, ये आपको स्ट्रीट बताएंगे, जो लिखा हुआ है दोब्रेगो महाराजा, यानी गुड महाराज, इस स्ट्रीट का नाम गुड महाराज रखा गया है। और आप देख रहे हैं पीछे ये मेमोरियल है, और इस मेमोरियल पर तैयारी चल रही है, प्रधानमंत्री के आने से पहले फूल लाए जा रहे हैं यहाँ पर। प्रधानमंत्री ने इस गुजरात की पुरानी रियासत के महाराज के तौर पर उनको यहाँ आकर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, याद करेंगे, इस मेमोरियल को देखेंगे, और साथ के साथ ये देखिए फूलों की सजावट और किस तरह से यहाँ कॉरिडोर बनाया जा रहा है, उसके लिए तैयारियां चल रही हैं। विदेश मंत्रालय की तरफ से यहाँ इंतजाम किए गए हैं, वो इन तमाम इंतजाम को देख रहे हैं। ये एक तरह से कॉरिडोर बनाया जा रहा है, इस रास्ते से आएंगे, और पहले प्लान ये किया जा रहा था कि प्रधानमंत्री यहाँ बातचीत कर सकते हैं जो भारतीय समुदाय के लोग होंगे, लेकिन हो सकता है कि इस कार्यक्रम में कुछ बदलाव हो जाए। लेकिन बड़ी बात यह है कि भारतीय रियासतों ने पोलैंड के लिए मुद्दतों पहले कर दिया, कह सकते हैं कि राजनीतिक तौर पर लिया जाना चाहिए, जो इनको मेमोरियल पर आकर यादगार करने का लम्हा है वो एक यादगारी लम्हा होगा, और करने वाले हैं जो लोग भारतीय समुदाय से जुड़े हैं, और समुदाय से हैं जो लोग इन तैयारियों में लगे हुए हैं। लेकिन खास बात यह है कि बेशक यूरोप देश में भारत के बहुत ज्यादा पॉलिटिकल लीडर्स या फिर जो हमारे देश के टॉप के जो है वो सियासतदान ना आए, लेकिन आप सोचिए कि द्वितीय विश्व युद्ध यानी 80 साल पहले का इतिहास पोलैंड और भारत का आज भी यहाँ मिसाल की तरह खड़ा है। जो मसीहा के रूप में भूमिका निभाई थी तब के महाराजाओं ने, उसे आज भी पोलैंड याद कर पाए। देवेंद्र पटेल, एबीपी न्यूज, और तो पोलैंड। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.